दूध वगैरह जो है निकले है, बस तीन भैंसे रह गई हैं, दो उधर से ब्लैक वाली रह गई हैं और एक ये वाली रह गई है। ये मारती नहीं, इस वजह से इसका जो है ना थोड़ा सा भी मैं भी दूध निकालने की कोशिश करूंगा अभी। ना लो जोर, कोई नहीं, शुरू शुरू में होता रहता है। आज के लिए था इतना ही। ये थोड़ा सा मैं आप लोगों को दिखाना चाह रहा था कि किसने भैंसे गए रखे हुए ऐसे दूध निकालते हैं। काली वाली जो है ना भैंस, उसका काफी ज्यादा मुश्किल होता है दूध निकालना, बाकी इनकी बनिस्बत इनका आराम से जो है ना दूध निकल जाता है। उनमें जो है काफी ज्यादा जो है ना जान लगानी पड़ती है। तो ये प्रोफेशनल तरीके से निकल रहा है, पर मैं अभी आपको पता है स्टूडेंट। इनका चारा पट्टे काटने आ गया है इनकी भैंसों वगैरह के, बिल्कुल जो है ना ऊपर ऊपर से काटेगा, क्योंकि अभी मशीन में उसको ग्राइंड नहीं करना, काट नहीं करना, इनके पीस वगैरह नहीं करने, ऊपर ऊपर इसलिए काट रहा ताकि वो नरम है, वो आराम से खा लेंगे, वरना नीचे से वो काटता है वो थोड़ी सख्त, इसकी जो डंडिया वगैरह होती है ना जिसकी वजह से वो फिर आराम से जो है ना वो खाएंगे नहीं। अंदर टोका लगा हुआ है ना, उसके अंदर जो है जब ये दोनों जाते हैं फिर दो बराबर हो के ना, फिर ये नरम भी होता है तभी भैंसे आराम से खा लेती है। तो ये कि अभी जो है ऊपर ऊपर से काट के ये बस थोड़ी बहुत जो है ना इनको आ जाए काम। चलो जी ठीक हो गया। अभी रानी को जो है ना थोड़ा सा राउंड पे लेके जा रहा हूँ, इधर से थोड़ा सा लेके जाते हैं, आज उसके बाद खाता हूँ फिर आपको मैं। एक जगह पे ज्यादा बंद हो के ना सारा दिन जो है ना उसका, तो फिर वो घोड़ा जो है ना खराब होने लगे थे, बीमार होने लगे थे, तो इस वजह से जो है ना अभी थोड़ा प्लॉट में इसको थोड़ा छोड़ूंगा यहाँ पे, ठीक है थोड़ी देर बाद खुद इसके साथ रहूंगा, थोड़ी थोड़ी घास खा ले जिस वजह से भी थोड़ी फ्रेश हो जाएगी, उसके बाद तब तक जो है ना उस्मान जो है इसका वो तूड़ी वगैरह जो है वो भी तैयार कर लेगा, सिर्फ पानी पूरी डाल के, ताकि दोनों चीज़ें इसको मिल जाएंगी। तो यह कि इसको थोड़ा सा फिरा के ना, फिर उसके बाद वो जो सामने दरख्त है उस पर इसको बंद कर देना है, ठीक है, वहाँ पे आधा घंटा घंटा जो है ना वहाँ पे आराम से घूम फिर घास वगैरह जो है खाती रहेगी। क्या हो गया? ओए बहुत दिनों के बाद जो है ना इसको सुबह का टाइम है, इस वजह से इसको खोला, मौसम भी ज्यादा गर्म नहीं है, ठंडा ठंडा मौसम है, अभी सूरज जो है अभी निकल रहा है, देखो ना इस हिसाब से जो है ठंडे मौसम में इसको खोलने के लिए यहाँ पे छोड़ रहे हैं। रुक जा, ये लो ये रस्सी है, ये बंधी हुई है उधर दरख्त के साथ छोटे, ठीक है, वहां से अब जो है ना ये पूरे प्लॉट में जो है ना यहाँ पे फिरती रहेगी आराम से, चारा जो है ना ये देखो सारा इधर लगा हुआ है, ये थोड़ी घास घूस लगी भी नहीं, यहाँ से सारी जो है अब इसने घंटे दो के अंदर ना सारा इसे सफाया कर जाना। रानी हम आ रहे हैं थोड़ी देर तक, आ रहे हैं कोई तुम आराम से खाओ, ठीक है ओके। तो रात को यार इन्होंने ना कोई पता नहीं जानवर वगैरह कह रहे हैं पकड़ा, डब्बे में रखा था, मैंने इसे आगे पूछा क्या चीज थी, ये कह रहा है कोई छिपकली टाइप है, अब मुझे पता नहीं क्या चीज, अब ये दिखाएगा कोई खतरनाक चीज हुई ना तो फिर देख लेना। कल ना वॉशरूम में थी तो हमने देखा था ये छिपकली थी, ये अजीब छिपकली, इसके ऊपर ना इतने इतने ऐसे कंडे लगे हुए। अच्छा हाँ जी, चलो फिर तो देखनी पड़नी है, बड़ी खतरनाक लगती है यार ये तो। ये वाला डब्बा यार चलो अब निकालो, मैं तो थोड़ा दूर हो खड़ा हूँ, पता नहीं क्या चीज है, देख के देख के यार देख मेरे को क्या हुआ है यार, खतरनाक है, डर लग रहा है, जैसे पकड़े थे वैसे इसको निकाल दो बाहर, मैंने कपड़े के साथ निकली है, कपड़े के साथ पकड़ी मेरी तरह ना डब्बे देना यार, कल की बांधी हुई है यार, भूखी होगी वो देखो, तो खतरनाक लग रही है यार, तो इसको निकाल दो यार, तुमने हमें इसको बेचारे को रात का जो है बंद किया, रंग कैसे हो रहा है वो देखो, लाल हो ही जा रहा है देखो, वो इसका कलर चेंज हो रहा है यार, रेड कलर हो रहा है, डर लगने लग गया, क्या हो गया, ओ हो गया वो, क्या वो क्या कर रहे हो, चलो ठीक है गया, चलो इधर आराम से बस ठीक है, दर्द के ऊपर चल यार, ये पक्की बात है, हाँ गिरगिट ही है, ये कलर इसे जो है ना चेंज कर रहा है, आगे फुल जो है ना स्किन सा था, फिर उसके बाद जाकर थोड़ा सा रेड हुआ है, अब देखो निकली, चल पानी पिला दे उसको, प्यास लग रही है, ला दे जिससे कि आप लोगों को पता है ना ये गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, ये तो फिर भी शुक्र है कि दरख्त के नीचे जो है ना पिंजरे वगैरह बने हुए हैं, परिंदे वगैरह हैं, वरना अगर पूरी धूप में होता ना इनका तो इन्होंने बचना नहीं था किसी ने भी, और नहीं 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 बाहर ना बाहर पीछे 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 कुंजों को जो है ना बजने का टाइम हो गया, अभी इनके पर काटे में ना, ओए ना लड़ो ना लड़ो, पर काटे में इसमें छलांग नहीं मारते थे, मतलब उड़ नहीं सकते, तो ये कि इनको बाहर निकाल दें, फिर शाम के टाइम खुद ही वापस आएंगे, फिर दोबारा इनको बंद कर देंगे, चलो 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 ओ चल चल चल
इसका दिल ही नहीं है मेरे ख्याल से बाहर जाने का है। अरे बत्ती चल गई यार, कुछ तो अंदर कर देंगे चल। ये बड़ा डर पोगा यार, बड़ा डरता है। वैसे ये वाली दो जो कुंजी है ना, ये आपस में रहती हैं ठीक है, और एक जो वो वाली है वो अकेली रहती है, जबकि है पर ये के साथ जो है थोड़ी बहुत रह लेती है, पर फिर भी लड़ती है ये वाली इन दोनों के साथ। इधर ले आओ ले आओ, अंदर ना जाए, अंदर ना जाए, चलो चलो। इनको भी शाम के टाइम अभी खोल लें क्योंकि सुबह का टाइम है। माशाल्लाह माशाल्लाह, कितना दिल कर, अरे तुम लोग किधर आ रहे हो, चलो चलो अपनी जगह में चलो। दिल इनका कर रहा है बाहर निकल कर, पर अभी निकालना नहीं है। अंदर अंदर अंदर, चलो चलो चलो। पानी इनका ख़त्म हुआ है। ओए पकड़ो यार, पानी लाओ। ओए पीछे हो जाओ, पीछे हो, पीछे 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 खोल देते, पर सुबह सुबह का टाइम है। सुबह सुबह जो है ज़्यादा कबे वगैरह जो है ना आसपास होते हैं, कबे चीले वगैरह ऊपर मंडरा रही होती है, क्योंकि उन्होंने खाना वगैरह खाना होता है, ये तो इनका शिकार है, इस वजह से इनको नहीं खोल सकते। इसलिए बड़े वाले ही पौंड में ही भेजे और छोटे वाले भी नहीं लेके जा सकते अभी। शाम के टाइम जो है इंशाल्लाह सारों की बारी आती है। पानी की प्यास थी इनको। पीछे यार, क्या मसला है इनको। चलो ये वाले थोड़ी जो है ना, पहले भी इसमें पानी लगाया था, वो देखो अंदर इसके था ना, इस अंदर से दोबारा निकाल के ना इसको तोड़ी को धोया जा रहा है। अंदर इसके मट्टी होती है, और अगर इस तरह खिला दें इनको घोड़ों वगैरह को, वो बड़े काफ़ी ज़्यादा जो है ना सेंसिटिव होते हैं, उस वजह से वो बीमार हो जाते हैं। पहले भी पानी लगा के इसको छोड़ दिया था, अब इस टब से निकाल के इधर धोया जा रहा है, सारी मट्टी मुट्टी निकल जाएगी, बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। फिर उसके बाद हम जो है इसको धूप में रख देंगे, धूप में रखने के बाद सूख जाएगी, फिर ये खिलाने के लायक होगी। तब तक जो है रानी जो है उधर ही फिरती रहेगी, अभी घंटा डेढ़ जो है अभी इसको उधर ही लगना है। आशीर भाई वो उधर दरख्त का, आम का दरख्त नहीं, वो नीचे गिरा पड़ा हल्का है, उसके ऊपर बहुत ज्यादा आम लगे हैं। आम का दरख्त वो तो लगा है ऊपर, वो देखे नीचे गिरा पड़ा है। अच्छा वो तो उसकी टहनी गिरी है, तो तुम गिरी है ऊपर, आम बहुत ज्यादा लगे। भाई वो मुझे कह रहा है कि आम का दरख्त नीचे गिरा, मैं परेशान, मैंने कहा इतना बड़ा आम का दरख्त था, ये किधर से नीचे गिर गया। वो टहनी गिरी हुई है, उस आम नजर भी आ रहे हैं यार काफी ज्यादा। ओ वाह माशाल्लाह यार, ये कैसे टूट सकते हैं, मेरा नहीं ख्याल किसी ने जान के, लगता मुझे तोड़ी है। नहीं हम लोगों ने नहीं तोड़ी, देख लो देख लिया। हाँ सही ना, तूने तोड़ी है ना, तूने तोड़ी है। ये ऊपर गया था, वो देखो उसके नीचे यार। माशाल्लाह अभी देखो ना, आम का सीजन है, आम काफी लगे हुए हैं, पर ये कि समझ नहीं लगी कि हुआ क्या हिसाब किताब है। टहनी पूरी टूटी हुई है, इसमें कोई 100 से 100 तक तकरीबन ना आम इस पे लगा हुआ है, 100 से भी ज्यादा, इतनी सी टहनी पे माशाल्लाह आम लगे। चेक कर भाई, यासिर जम्मू देना है। क्या जम्मू, क्या नाम है मेरा भाई? यासिर जम्मू ने। कौन हासिर? तुम। मेरा हासिर राम कहाँ से हो गया? मेरा पहले सही नाम बोलो। आशीर भाई, आशीर भाई जम्मू देना भाई। क्या करूँ? जामुन देना। जामुन दूँ तुम्हें भी यार? ये लो तुम भी जामुन खा लो। ध्यान से, तुम्हें भी खाने हैं? चलो खा लो जल्दी। तो नहलाया गया आप सारा सही तरह? साबुन सुबुन भी लगा दिया है, शैम्पू शैम्पू सारे सही तरह? बस ठीक हो गया। मोर को जो है आप ये देखो बंद कर दिया है, जब नहा लेना उसके बाद इतना इनका कलर जो है ना साफ हो जाता है, कितने प्यारे हो जाते हैं। उसके बाद फिर अभी सूख जाना है, फिर इनका जो नेचुरल कलर है ना वो फिर वापस से दोबारा से वही वाला आ जाना, फिर उन्होंने गंदे गुंदे हो जाना। तो यह कि उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब लाजमी शेयर वगैरह कर दो। फिर आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वाली वीडियो मिलेगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।